हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आई थिंक आई बटन में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर स्विमिंग नहीं आती तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा देखना चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कुछ चार पांच टॉपिक्स बताऊंगा कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपको पानी के अंदर बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए, जब तक आपको पानी का पता नहीं है कि पानी कितना गहरा है कितना गहरा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो बंदे स्विमिंग नहीं आती और फुकरी मारना चाहते हैं, सबसे पहले वो बंद करें, क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा होता है। अब सपोज करो कि आपको मुझे स्विमिंग आ रही है, मैं गहरे पानी में कूद रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये बंदा कूदा और मुझे भी कूदना है, ठीक है ना, चाहे तैरना नहीं आता कूद जाना, बाद में कहना बचाओ बचाओ बचाओ, वो सिस्टम मुश्किल हो जाता है ना। तो आज सारी बातें मैं इसी की रिलेटिव करूँगा कि आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए और स्विमिंग में कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपको स्विमिंग आती है चाहे नहीं आती, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि आप ना शो ऑफ करने के चक्कर में काफ़ी जने मरते हैं, काफ़ी इंसान शो ऑफ के चक्कर में ही मरते हैं। कई उनको स्टंट नहीं करने आते बाइक पर, फिर भी सोचते हैं कि हम स्टंट कर लेंगे, या दूसरे को देख के कॉपी करना या शो ऑफ करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनकी जान को खतरा हो जाता है। उनकी जान को खतरा होता होता है, साथ में जिनके पास पूल होता है या लाइफ गार्ड होते हैं, उनको भी बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि हाँ भी आप यहाँ थे, कैसे हो गया, क्या हो गया। क्योंकि ऐसा होता है कि कई तो पानी में जाके ड्रामा करने लग जाते हैं कि हाँ भी मैं डूब रहा हूँ मुझे बचाओ, हालांकि उसको तैरना आता है, सारा कुछ करना होता है, पर वो जान के करते हैं। पर लाइफ गार्ड इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये डूब रहा है या नाटक कर रहा है, क्योंकि इसको तैरना आता है, ठीक है। तो लाइफ गार्ड इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, जिसको तैरना आता है उसकी नस खींच जाती है, जिसके कारण वो नहीं तैर पाता या सांस फूल जाती है, तो फिर भी वो चलाता है कि बचाओ बचाओ। बट अगर इंसान बार बार ये चीज़ गलती करता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, लाइफ गार्ड कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसको बचाना है या नहीं बचाना, जिसके कारण उसके पेट में पानी चला जाता है और काफ़ी बीमारियाँ भी लग जाती है। अगर बच भी जाए तो भी बीमारियाँ लगेंगी उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ नहीं करनी कि आपको स्विमिंग आती है, आपने पानी में जाके जानबूझ के मस्ती करने के लिए नहीं ये बोलना कि बचाओ बचाओ। इससे क्या हो जाता है कि लाइफ गार्ड थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। सपोज करो आप ऐसा कर रहे हो तो बंदा दूसरे बार में भी ऐसे सोचता है कि दूसरा बंदा भी ऐसा ही कर रहा होगा, तो लाइफ गार्ड थोड़ा नीचे आ जाता है, नहीं तो वो ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखे करता है। कोई एक बार दो बार बोलता है बचाओ बचाओ, लाइफ गार्ड तुरंत कूद जाता है बचाने के लिए। क्या होता है कि स्विमिंग पूल में, इस पूल में मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन अगर शूट हो सका मेरे से, कई बंदे ऐसे हैं जो ये टिप्स बड़ी करते हैं कि हाँ भी वो बंदा कूद देगा फिर मैं खुश होऊंगा, कि हाँ भी वो बंदा गिल्ला हो गया मेरी वजह से, पानी में कूद पड़ा, ठीक है ना। काफ़ी बंदे मैंने ऐसे देखे, खासकर बड़े लोग भी ऐसे करते हैं, मतलब कि छोटे तो गए तेल लेने पर बड़े लोग भी ऐसे करते हैं। ये चीज़ ना करें, इससे सिर्फ उनके मजाक के कारण किसी और को भी खतरा हो सकता है, ठीक है ना। पहले ये चीज़ याद रखने की ऐसा गंदा मजाक कभी नहीं करना। दूसरी बात, मजाक में किसी को पकड़ के पानी में नहीं डुबोना, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि आप मजाक में पकड़ के पानी को डुबो रहे हो, आपका जोर लग रहा है, दूसरे बंदे का जोर लग रहा है, उसको तैरना नहीं आता, तो क्या होगा, वो नर्वस हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी और उसको सांस की प्रॉब्लम, मतलब कि सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी आप नोट करना, जब आप हार्ट रेट तेज़ हो जाती है तो आपको सांस स्लो आता है, मतलब कि आपको सांस लेने की ज़्यादा क्षमता होती है कि हाँ भी मैं लंबे लंबे सांस लूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और पानी के अंदर जिसको तैरना आता है, अगर उसकी सांस फूल जाए डूब तो वो भी जाएगा। अब मैं जैसे कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं गहरे पानी में जाके अगर सोचूंगा मैं 10 राउंड मार लूँगा ना, मैं 50 मीटर करके मैं थक जाता हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये भी मत सोचो कि हाँ भी मैं बहुत तगड़ा हूँ और मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने पहले की हुई है। तो प्रैक्टिस के बिना भी आपने पानी में नहीं कूदना, मतलब कि पानी में आप कूद गए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करने शुरू होगी उसमें भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि शो ऑफ करने के लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए तो आप शो ऑफ कर सकते हो, पर शो ऑफ केयरली करना है कि हाँ भी मुझे कोई नुकसान हो या दूसरे बंदे को नुकसान हो। केवल मैंने देखा है कि डाइव मारते बंदे पानी में देखते नहीं है कोई पानी में है या नहीं है, वो सीधी डाइव मार देते और बंदे के ऊपर कूद जाते हैं, जिसके कारण पानी के अंदर ज़्यादा चोट लगती है, ठीक है। ऐसा कई बार मैं चिंटू को प्रैक्टिस कराता हूँ, कई बार ऐसा चिंटू के साथ हो रखा है, बट उन इंसानों को कैसे समझाया जाए, उसको फिर बोला जाता है, फिर वो छोटे पूल में आते हैं। बल्कि डाइव भी मारनी है तो देख के मारो भाई, आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ कुछ मैं इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मुझे ये लगा इम्पोर्टेंट कि हाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको बिल्कुल नहीं तैरना आता तो आप कम पानी में ही जाओ, गहरे पानी में कभी मत कूदो, चाहे कोई कितना मर जाए आपका खास दोस्त हो, क्योंकि जब आप डूब रहे होंगे अगर आपको दोस्त को स्विमिंग आती है तो भी वो आपको बचा नहीं पाएगा गहरे पानी में, क्योंकि बचाना के लिए एक अलग ट्रेनिंग होती है और तैरने के लिए एक अलग ट्रेनिंग होती है। हाँ, आपका अगर दोस्त है जो वो प्रोफेशनल है
मतलब कि इस पोज करो, उसको अच्छे से स्विमिंग आती है, फिर वो 1-2% आपको बचा सकता है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू हो तो, ठीक है, अदरवाइज उसको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है और वो कह रहा है तू कूद जा पानी में, मैं बचा लूँगा तुझे, तो थोड़ा दीवार के साथ ही कूदे, अगर आपको डूबने का शौक भी है तो दीवार के साथ कूदे, एटलीस्ट वो बचाने भी आए तो दीवार के साथ इजीली बता लेगा। अब सपोज करो आप डाइव मार के गहरे पानी में ज़्यादा दूर कूद गए, ठीक है, अब वो दोस्त आपको सिर्फ थोड़े से पार्ट में बचा सकता है, ज़्यादा पार्ट से नहीं बचा सकता, आप कूदने वाले सीधा सेंटर में कूद जाते हैं जहाँ की सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो वहाँ से बाहर लाना मुश्किल होता है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता जितना आप देख लेते हो, ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए हमारी साइकिलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, और हमें पता होना चाहिए कि ग्रिप कैसे करना है, ठीक है, कुछ ग्रिप्स टिप्स मैं इसमें भी दूंगा कि आपको अगर कोई बंदा डूब रहा है तो सबसे बेस्ट ग्रिप कौन सी है, उसके बाद 3-4 ग्रिप्स है वो मैं सारी की सारी ग्रिप्स बताऊंगा आपको, ठीक है, जब हम डूबते हुए इंसान को बचाने जाते हैं तो वो सबसे पहले जो बंदा बचाने गया उसके ऊपर ही चढ़ता है, जिसके कारण वो बंदा नीचे चला जाता है, और जो बंदा बचाने गया उसको भी खतरा हो जाता है, और जो बंदा डूब रहा है उसको तो खतरा है ही है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी की टिप्स देता, तो जब कोई बंदा डूब रहा है तो उसको कहाँ से बचाना है, भाई आइए एक मिनट साथ में, मैं अपने साथ एक मतलब कि लाइफ गार्ड है ये, इसको तो क्या बताना, पर मैं आपको टिप्स देने के लिए, अब सपोज करो ये इंसान डूब रहा है, एक तो आप बाजू से पकड़ के सकते हो और एक हाथ से ऐसे करके साथ में साइकिलिंग करोगे, ठीक है, दूसरी बात की आप पीछे से आके इसको यहाँ से ग्रिप कर सकते हो, ग्रिप करने के बाद आप उल्टा अपने चेस्ट पे लेट के इस हाथ को ऐसे चलाओगे, साथ में साइकिलिंग के पैर चलेंगे, तीसरी बात है कि आप कैसे पकड़ सकते हो इसको, आप चेस्ट पे ले जाके इसकी चिन पे आप ऐसे फिंगर्स पकड़ के इसको ऊपर करके आप इसको पीछे लेके जा सकते हो, जब ये चिन ऊपर हो जाएगी, इसका फेस ऊपर हो जाएगा तो ईजिली ये ऊपर देख पाएगा और इसका थोड़ा जो नर्वसपन है वो दूर होगा। तीसरी बात कि अगर बंदा डूब जाए तो कैसे बाहर निकालना है, तो उसको आप बालों से पकड़े तो बाहर निकाले, ठीक है, या निक्कर से पकड़े जो निक्कर डाली होती है, या टी शर्ट से पकड़ सकते हो, ठीक है, बाहर निकालने के लिए, ठीक है, डेड बॉडी को ऐसे निकालते हैं, अदरवाइज जो जीता इंसान है जो डूब रहा है उसको कभी भी ऐसे नहीं निकालना कि आपने ऐसे पकड़ लिया और उसका फेस पानी के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वो फिर भी आपको हाथ पैर मारता रहेगा, उसको सबसे आसान तरीका है उसकी चिन्ह पकड़ के आप ऊपर करके और बैक स्विमिंग करो ये वाली हाथ, ठीक है, ये सबसे खास ट्रिप है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंसान डूबे उसको चिन से पकड़ के ऐसे ऊपर करके आप हाथ मारोगे वो आपकी चेस्ट पे आ जाएगा, तो आप हाथ मारोगे तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई, और ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये कुछ टिप्स है जिसके कारण वो इंसान की जान बच सकती है और उसको भी ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा जो बचाने गया है, ठीक है, और दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप कूदोगे पानी में उसको बचाने के लिए, जब वो ऊपर चढ़ेगा तो आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे ही आप अंदर जाओगे वो आपको छोड़ देगा, उसके बाद आप उसको इजीली ग्रिप करें, उसको बोले शांत शांत रिलैक्स रिलैक्स, जिसके कारण वो रिलैक्स हो जाएगा, उसका माइंड जो हड़बड़ा जाता है उसके कारण वो रिलैक्स हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बातें याद रखनी हो। दूसरी बात ही बोलता हूँ वैसे कि हालांकि काफ़ी बातें मैंने बता दी आपको, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप डाइव मारते हो पूल के बाहर कोशिश करो कि आप डाइव ना मारो, ठीक है, दूसरी बात जब आप डाइव मारते हो कुछ ध्यान रखना है कि पूल के एकदम कंडे पे खड़े हो जाए करो, ताकि आप डाइव मारते समय पैर स्लिप हो जाए पानी में गिरो। अब सपोज करो आप मतलब कि ये जैसे कि ये है, आपको मैं दिखा नहीं सकता, दिखाता हूँ, ओके लुक लाइक दिस, आप यहाँ पे खड़े होकर डाइव मार सकते हो, ठीक है, एकदम कंडे में हो गए डाइव मारोगे, इससे अगर आपका पैर भी स्लिप होता है पानी में गिरोगे और चोट नहीं लगेगी बॉडी पे, ठीक है, आप क्या करते हो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं इतने पीछे, ठीक है, जिसके कारण जब आप भागते हो तो पैर स्लिप हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बोन्स लगती हैं, ठीक है, बोन्स लगती हैं जिसके कारण आपके चोट काफ़ी लग जाती है, पैर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप एकदम कंडे पे खड़े होकर डाइव मारोगे तो आपका पैर स्लिप भी करते तो आप पानी में गिरोगे, जिसके कारण चोट के इशार बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कंडे के मतलब कि सिरा अब कंडा पंजाबी में बोलते हैं तो अभी मुझे ये नहीं पता, मतलब कि एकदम आगे वाला पार्ट ये मतलब कि ये समझ लो जहाँ ये पूल है और आपने यहाँ से डाइव मारी, आप यहाँ खड़े होकर डाइव नहीं एकदम ऊपर आगे खड़े होकर डाइव मारो, जिसके कारण आपको अगर पैर भी स्लिप करते तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और बैक फ्लिप मारते समय ध्यान रखा करो कि बैक फ्लिप में आपका सिर दीवार में लग सकता है, और अगर बैक फ्लिप में सिर आपका दीवार में लगता है तो बहुत चोट लगेगी। पहली बात तो बैक फ्लिप मारो ही मत, ठीक है, अगर आपको फिर भी कीड़ा है तो एकदम सेफली मारो, ठीक है, और जब भी आपने डाइव मारनी है उससे पहले आप पानी में देख लो अच्छे से, आपके बैक साइड में जहाँ पे आपने डाइव मारनी है वहाँ पे कोई इंसान आ तो नहीं रहा, या फिर कोई दूर से आ रहा हो कि आप जब डाइव मारो वो टाइमिंग आपके बंदे के ऊपर आ गए, आप WWE खेलने लग जाओ पानी में, तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मेरा यही था कि आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो गहरे पानी में नहीं जाना है, ठीक है, अगर आपको किसी को बचाना नहीं आता उसको बचाने के लिए कूदना नहीं है, कोई चीज़ फेंक दो, रस्सी फेंक लो या फिर कोई जिसको आता है वही कूदने जाओ, ठीक है, और तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि आपको शो ऑफ नहीं करना, ठीक है, जब तक आप अच्छे से स्विमर नहीं बन जाते, ठीक है, उसी बात अगर आप फिर भी शो ऑफ करना चाहते हो कम पानी में करो, ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप मस्ती करो, जो कुछ मर्जी करो, बस किसी को मतलब कि पानी के अंदर ज़्यादा मजाक नहीं करना कि कोई बंदा डूब जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना था, आई होप कि आपको ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग लगा होगा, पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैंने काफ़ी खास टिप्स भी दी है जो कि डूबते हुए इंसान को कैसे बचाए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि बाहर बताना कुछ और होता है और पानी के अंदर बताना कुछ और होता है। जब पानी को हम इंसान को बचाते हैं तो अपनी खुद की सांस फूल जाती है, अगर आपके अंदर स्टैमिना नहीं होगा तो आप दूसरे इंसान को नहीं बचा पाओगे। स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं पानी में जाऊंगा, अब मैं सोच लूँ मुझे स्विमिंग आती, मुझे बचाना भी आता है कैसे, अब मैं गहरे पानी में कूद जाऊँ, सेंटर में कूद जाऊँ और बाहर लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बंदे को बाहर तो लगाऊंगा बट उसमें मैं भी काफ़ी पानी पी लूँगा, जिसके कारण मुझे भी बीमारी लग सकती है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, मेरे पास तो टाइम नहीं है पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँ। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो गाली निकालनी कमेंटों में, और कुछ बातों पर गौर किया करो ताजो आपकी लाइफ भी सेफ हो जाए और आपको कुछ अच्छा भी आ जाए। और स्विमिंग में मैंने सारे पार्ट बना रखे हैं, फिर भी मुझे कमेंट आते हैं कि भाई ये पार्ट बना दो, वो पार्ट बना दो। भाई एक बार मेरे चैनल पे जाना बड़ा इजी है, आपको जहाँ मेरी फ़ोटो दिखती है साइड में लेफ्ट हैंड में, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, मेरी ऑल वीडियो आ जाएगी। ऑल वीडियो में आप सारी स्वैप करके देख सकते हो, मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है और बकायदा मैंने थंबनेल के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, दोनों हिंदी है पर हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा हुआ है, तो आप उसको पकड़ के ईजिली सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जिन्होंने मेरी वीडियो देख के स्विमिंग सीखी है यार, मैं शुक्र कर रहा है कि आपने स्विमिंग सीख ली, क्योंकि स्विमिंग यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कोई नहीं पता होता कब हमें पानी में कूदना पड़ जाए, जब हम कब मतलब कि गोवा चले जाओ नहाना पड़ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ओके बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतने काफ़ी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये चैनल मैं स्विमिंग बाय मनी, दूसरे चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसमें मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ मोबाइल्स की, तो कुछ रिव्यू भी बताता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस तरह आपको और वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।